The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. ऐसी दवाएं जो आप डायरेक्ट मार्केट से ले सकते हो, ये कौन सी दवा है और क्या आपको खुद से ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेनी चाहिए या नहीं? ऑल्दो जरूर ये बात सच है कि कुछ दवाएं आपने अपने घर में रखना अच्छा होता है, जो कि छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, बुखार के लिए, सर्दी खांसी के लिए या फिर उल्टी के लिए दवाइयां आपको घर पे रखनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि किसी को भी दिक्कत हो सकती है. मेक श्योर करना है कि वो एक्सपायर ना हो जाए, एक्सपायर हुई दवाई ना खा लें आप, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो आपको क्या जानना चाहिए ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के बारे में और क्या वो सेफ है या नहीं, क्या टिप्स हैं उसके ऊपर खाने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है. अगर आप कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर का लेबल पढ़ना. अगर उसके लेबल पे जो तरीका लिखा हुआ है, जो डायरेक्शन लिखा हुआ है उसको खाने का, उस पर आप सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, बल्कि उससे भी पहले आप उसके ऊपर वार्निंग लिखी होती है. कई बार कई दवाइयों के ऊपर देर आर वार्निंग्स प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ द मेडिसिन मेनी टाइम्स, राइट? सो ये वार्निंग आप पढ़ेंगे. सो यू हैव टू फर्स्ट रीड द वार्निंग ऑन द मेडिसिन ऑन द ओवर काउंटर मेडिकेशन एंड देन रीड द प्रिंटेड डायरेक्शंस. ऑलराइट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, वार्निंग दिख रही है कुछ मेजर के से ये हो सकता है, उससे वो हो सकता है, देन गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग दैट मेडिसिन. एंड यू हैव टू नो वॉट यू आर टेकिंग, राइट? आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वॉट आर द इन्ग्रीडियंट्स, राइट? एंड देन चूज द प्रोडक्ट विथ वेरी फ्यू आइटम्स इन इट. ऐसा नहीं कि इसमें 25,000 लोग चीज़ें हैं तो मैं वो खाऊंगी, ये वो खाऊंगा, नहीं. सो जितने ज़्यादा आइटम उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस पे, राइट? याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर दवा, हर चीज़ ओवर द टाइम आपके घर में पड़ी पड़ी उसके इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, चाहे वो दवा हो, चाहे वो whatever it is, right? If it is something like even vegetables, even cooked vegetables, they go rancid after a time, they get bad. So medicines also, they become less effective over time and should be replaced. So दवाइयाँ भी उसकी expiry date check करनी है, उनको replace करना है, expiry date हमेशा check करनी है. और medicines में लिखा होता है कि उसको store कैसे करना है, एक स्टोरेज का तरीका. कुछ मेडिसिंस को डार्क स्पेसेस में, ठंडी स्पेसेस में, कुछ को ड्राई स्पेसेस में स्टोर करना, कुछ को आइस पे, बर्फ में स्टोर करना पड़ता है. सो ऑलवेज रीड लेबल्स, लेबल पढ़ के कि स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, स्टोर इन अ फ्रीजर, स्टोर इन अ दिस थिंग दैट थिंग चिलर. सो उसके हिसाब से मेडिकेशन को स्टोर करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट, सारी दवाइयों को बच्चों के पहुँच से दूर रखना है, बड़ी सिंपल. और जो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं, जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, वो कोई भी दवा ओवर द काउंटर हो या ना हो, खाने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें. प्रेग्नेंट लेडीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज आर एट वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. दवाइयाँ याद रखिए, दूसरी एक बात, दवाइयाँ बच्चों और बड़ों को अलग असर कर सकती हैं. जो दवाई बड़ों पे काम कर रही है वो बच्चों पे साइड इफेक्ट कर सकती है, जो बच्चों पे काम कर रही है बड़ों के लिए यूजलेस हो सकती है. सो ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से बड़ों को, बच्चों को एक ही दवाई बांटते जाएं. डोंट डू दैट, डोंट गिव एडल्ट मेडिसिन टू चिल्ड्रन, डोंट गिव चिल्ड्रन मेडिकेशन टू एडल्ट, राइट? और चेक विथ योर डॉक्टर, अगर आपको कोई भी सिम्टम है वो ज़्यादा ख़राब है, इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपको बीमारी क्या है, अगर आपको कोई लंबी बीमारी है और आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन ले रहे हैं, उसके ऊपर से कोई दवा ले रहे हैं, देन डोंट डू दैट, राइट? रिमेंबर. सो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू ओवर द काउंटर मेडिकेशन नाउ, राइट? व्हाट आर ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, किस किस बीमारी के लिए ली जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पेन, एक्स, हेडेक, सर में दर्द, कमर में दर्द, बॉडी एक, व्हाटएवर. तो ऑल दीज थिंग्स, headache, arthritis, pain, joint pain, muscle pain, people take acetaminophen, paracetamol, right? Tylenol, acetaminophen, paracetamol, Tylenol, ये
इज द नॉर्मली द फर्स्ट मेडिसिन फॉर पेन. इसके लिए आपको क्या जानना है, डू नॉट टेक मोर देन 3 grams पर डे. 3 grams एक दिन में पूरी मात्रा. कई बार आपको बोलता है, कई बार लोग इसे 4-4 घंटे में, 6-6 घंटे में भी ले लेते हैं, 500 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम. सो 3000 मिलीग्राम के ऊपर नहीं जाना है वरना लिवर डैमेज हो जाएगा. 3 grams इज अबाउट द सेम एज, कई बार जो पिल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा, 1000 mg की पिल भी आ सकती है, राइट. सो 1000 mg की 3 गोली पूरा हो गया, 3000, है कि नहीं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कितनी गोली खा रहे हो. नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी, आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सिन, ये भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कई बार मिल जाती हैं. सो पेन किलर्स जो हैं उनके ऊपर सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में. शॉर्ट टर्म में गैस्ट्राइटिस हो सकता है, स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं. सो यू कैन हैव दीज काइंड ऑफ एसिड पेप्टिक डिजीजेस बिकॉज ऑफ पेन किलर्स, एसिटामिनोफेन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. सो दीज आर वन टाइप ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन. दूसरा क्या, फीवर. फीवर के लिए भी एसिटामिनोफेन या ब्रूफिन काम करती है, बच्चों में या बड़ों में, दोनों में. एसिटामिनोफेन यानी ट्राइनोलोन यानी पैरासिटामोल आप 4-6 घंटे में ले सकते हैं, एवरी 4-6 आवर. ब्रूफिन डिपेंडिंग अपॉन डोज विल डिपेंड अपॉन वजन, एडल्ट चिल्ड्रन क्या है, उसका डोज डॉक्टर से पूछ के लें. आइबुप्रोफिन 6-8 घंटे में एक बार लेते हैं. आइबुप्रोफिन 6 महीने से छोटे बच्चों को कतई भी मत देना, ठीक है. और आपके वजन, बच्चे के वजन के, बच्चों के केस में खासकर वजन के हिसाब से डोज होता है. और एस्पिरिन, राइट, एस्पिरिन एडल्ट्स में काम कर सकती है कभी कभार, लेकिन याद रखिएगा एस्पिरिन, डिस्पिरिन, उससे ब्लड पतला होता है, खून पतला होता है, ब्लीडिंग हो सकती है. तो हर दर्द में नहीं देते, डेंगू फीवर में खतरनाक साबित हो सकती है, बच्चों में तो कतई मत देना. रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. सो एस्पिरिन की जगह, डिस्पिरिन की जगह एसिटामिनोफिन या पैरासिटामोल दे दो, ज़्यादा बेहतर है. फिर उसके बाद सर्दी, सर्दी खांसी, गला ख़राब, उसकी दवाएं जो आपको बेटर फील कराती हैं, इसमें कायदे से तो आपको जिंक का सप्लीमेंट लेना है. जिंक, ZNIC, जिंक, जिंक सप्लीमेंट लेना है 24 घंटे के अंदर जब भी आपको कोल्ड स्टार्ट हो रहा है. जिंक आपका कोल्ड का ड्यूरेशन, सिम्टम्स उसको कम कर देगा. और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें. ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बच्चों के लिए या बड़ों के लिए सोच समझ के लें. उनमें कुछ दवाइयां आती हैं जैसे ग्वानफेसिन, गोफेनेसिन, ऐसे बोल लो, गोफेनेसिन. ये बेसिकली म्यूकस, म्यूकोलिटिक है, म्यूकस ब्रेक डाउन करती है. आप इसके साथ ज़्यादा पानी पियेंगे, अलॉट ऑफ वाटर पीना, ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है. इसके अलावा लोजेंजल्स आते हैं, राइट, मेंथॉल थ्रोट लोजेंजल्स, थ्रू जो गला खराब होता है तो विक्स खाते हैं हम, हॉल्स खाते हैं, ये सब आती है, रोबिटोसिन कई सारी आती है गला खराब होता है उसके लिए. विक्स, हॉल्स, मेंथॉल लोजेंजेस थोड़ा सा सूद करते हैं थ्रोट को. फिर लिक्विड कफ मेडिसिन आती है जैसे डेक्स्ट्रोमिथोरफैन, बहुत कॉमन मेडिसिन है ये, आपके कफ सप्रेसेंट है, खांसी के जो अर्ज है उसको सप्रेस करता है ये. आपके दवाई मिल जाती है, कई सारी दवाइयों में मिक्स्ड होती है, डेक्स्ट्रोमिथोरफैन किसी किसी दवाई का इंग्रेडिएंट हो सकता है. तो ये क्या करती है, कफ सप्रेस करती है. फिर डीकंजेस्टेंट आते हैं, डीकंजेस्टेंट नेजल पासेज क्लियर करने के लिए काम करते हैं, जो रनिंग नोज होता है उसको क्लियर कर सकते हैं. कई बार पोस्टियर नेजल ड्रिप आता है उसको क्लियर करते हैं. कई बार नेजल, ये डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे बहुत जल्दी काम करते हैं और वो एकदम से, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन लगातार ले रहे हो तो रिबाउंड इफेक्ट आ सकता है, फिर से सिम्टम आपके खराब हो सकते हैं और ज़्यादा बढ़ सकते हैं. सो इट यू हैव टू बी वरीड कि इसको टेम्पररी यूज करना है, लंबे समय तक यूज नहीं करना है, 3-5 दिन के ऊपर डॉक्टर से यूज करना है, डॉक्टर से बात करनी है अगर आपका को ब्लड प्रेशर या प्रोस्टेट प्रॉब्लम है डीकंजेस्टेंट के साथ में. ओरल डीकंजेस्टेंट्स भी आते हैं जैसे कि फिनाइलेफ्रीन या फिनाइलेफ्रीन या सूडोएफ्रीन, सूडोएफ्रीन या फिनाइलेफ्रीन कई बार आपके स्प्रेज में मिल जाएंगे, आपको नेजल ड्रॉप्स मिल जाएंगे, दवाई में मिल जाएंगे. सो दीज आर ओरल डीकंजेस्टेंट, सेम वे दवाई मुंह से खा रहे हो, स्प्रे की जगह म्यूकस को पतला कर रही है, डीकंजेस्ट कर रही है. एंड देर आर नेजल स्प्रेज लाइक ऑक्सीमेटाजोलिन या फिनाइलेफ्रीन के नेजल स्प्रे आते हैं जो आप यूज करते रहते हैं, ओट्रीविन या जैसे भी नाम के, वो भी इसी तरह में आते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट. डिकंजेस्टेंट ओरल हो या नहीं, उसमें ओरल हो या स्प्रे हो, नेजल ड्रॉप्स हो, उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि उसको लंबे समय नहीं लेना वरना रिबाउंड इफेक्ट आएगा, जो भी दिक्कत होती है वो बार बार आएगी.
सो लंबे समय नहीं है, टेम्पररी ब्लॉकेज खोलने के लिए दो तीन दिन के लिए काफी है बस। और अगर सोर थ्रोट बहुत ज्यादा है तो पेन किलर या एसिटामिनोफिन, एब्रोफिन, एप्रोक्सिन ले सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा गले में दिक्कत है तो कैंडी वैंडी खा सकते हो, उससे भी फायदा होता है। फिर एलर्जीज के लिए, एलर्जी के लिए एंटी हिस्टामिन यूज होते हैं। एंटी हिस्टामिन में क्लोरफिनिरामीन, डायफिनिलरामीन, डायफिनहाइड्रामीन, क्लोरफिनिरामीन, ये सारी दवाइयाँ होती हैं। ऐसी ही एंटी हिस्टामिन जो ये स्लीप करती हैं, बहुत नींद आती है इससे, डायफिनहाइड्रामीन और क्लोरफिनिरामीन जैसी दवाइयाँ, या ब्रोमफिनिरामीन जैसी दवाइयाँ, या क्लीमेस्टीन जैसी दवाइयाँ। कुछ ऐसी भी हैं जो नींद नहीं करती, जैसे लोराटिडीन। लोराटिडीन कम स्लीप करती है, जीरो नहीं है बट कम करती है। सिट्रीजीन भी नींद करती है, फिनोफेक्सिडीन भी नींद करती है बट कम करती है, डायफिनहाइड्रामीन बहुत ज़्यादा नींद करती है। सो अपने डॉक्टर से बात करें अगर आपको, आपके बच्चों को या आपको नींद नहीं आ रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा कई बार आप आई ड्रॉप्स यूज़ करते हो, कई बार स्टीरॉइड के भी प्रिवेंटिव नेजल स्प्रेज आते हैं, स्टीरॉइड के फ्लूटी का सोन या कुछ क्रोमोलिन सोडियम जैसे प्रिवेंटिव स्प्रेज आते हैं। स्टमक अपसेट के लिए आप डायरिया के लिए यूज़ करते हो इमोडियम लोपेरामाइड, जो बेसिकली इंटेस्टाइन की मोशन मोटिलिटी कम कर देते हैं, राइट। आपके डॉक्टर से बात करना है, नहीं तो कि डायरिया इन्फेक्शन की वजह से हम मोटिलिटी कम करते बैठ रहे हैं, नॉट गुड। तो हर एक पर्सन के लिए वो काम नहीं करता, लंबे समय तक नहीं लेना है उसको। बिस्मथ वाली दवाइयाँ ले सकते हैं डायरिया के लिए, माइल्ड डायरिया के लिए। और रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूड, ORS जैसी दवाइयाँ चलती हैं, वो भी ले सकते हैं। नौजिया वॉमिटिंग के लिए आपके पास में पेट में लिक्विड आते हैं, लिक्विड पीने वाले एंटासिड्स आती हैं। मोशन सिकनेस के लिए दवाइयाँ आती हैं, है ना, जैसे कि डायमंड हाइड्रेनेट, राइट, मैक्लिजीन, और ORS आता है वॉमिटिंग रिहाइड्रेशन फ्लूड, वॉमिटिंग के बाद जो फ्लूड लॉस हुआ। फिर रैशेस के लिए, इचिंग के लिए क्रीम्स आती हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम आती है, ओरल इचिंग की एंटीफंगल क्रीम, एंटीफंगल ऑइंटमेंट आते हैं जिसमें किटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, निस्टैटिन, ऐसी दवाइयाँ आ सकती है। रैशेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये सब। सो इतनी सारी ओवर द काउंटर दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हो मार्केट से। पर याद रखिए जो पहले हमने बताई गई सारी बातें कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है, लेबल पढ़ना है, कैसे स्टोर करना है और कब डिस्कार्ड करना है, बहुत ज़रूरी है आपको अपना ख्याल रखना ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में। सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में नहीं आते, मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स अलग कैटेगरी में आते हैं। सो सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स अलग होते हैं, राइट, दोज आर नॉट मेडिकेशंस, दोज आर सप्लीमेंट्स। सो ये हुई बातचीत ओवर द काउंटर मेडिकेशंस की। आई होप दिस वुड हेल्प यू आउट, बट बी अवेयर, डोंट प्ले विथ योर लाइफ एंड डोंट टेक एंटीबायोटिक्स और एनी मेडिकेशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम without consulting a doctor. Okay, take care, do share this video so that it reaches as many people as possible. Thank you so much.